हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी 2021 में जो पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, उसका हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देख रहे हैं। और हम लोगों ने अभी तक 18 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। कितने? 18 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। और ये है हमारा सेट नंबर 19। जो अपनी रीजनिंग की क्लास होती है वो 8 बजे से होती है, और जो मैथ की अपनी चल रही है वो कितने बजे से? वो है, सॉरी, रीजनिंग की क्लास होती है 7 बजे से, और मैथ की क्लास जो चल रही है वो कितने बजे से? वो है 8 बजे से, क्योंकि चल रही है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे तो सेट 19 है अपना, और जो अपना जो टारगेट है मेन है वो है जनवरी 2023, जो आपका पेपर होना है, ठीक है ना। यदि आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक, मतलब सेट 1 से और जहाँ तक मैं सेट करवा रहा हूँ वहाँ तक यदि आप लोग मेरा साथ दे दिया तो एग्जाम आपका साथ देगा, ठीक है। आप मेरा साथ दो, बने रहो रेगुलर, तो इसका मतलब एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलते हैं। अच्छा, ये सेट कहाँ पे पूछा गया था तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेट आया था ION डिजिटल जोन ID Z4 पाटलिपुत्र में पूछा गया था 18/11/2021 को 4 से 5:30 के बीच में, ठीक है ना। तो अभी हमने देखो यहाँ पर रीजनिंग को सॉल्व किया था। हाँ, इसकी जो PDF है आपको मिल जाएगी कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ से मिलेगा? जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करेंगे टेलीग्राम के, तो आपको आपका टेलीग्राम खुलेगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। वही PDF आपको मिल जाएगी। आगे यहाँ पर है 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है, ठीक है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या है? देखो, जब भी कभी विषम संख्या की बात करें और औसत दे दें, सबसे छोटी या बड़ी संख्या की बात करें तो जितना औसत आपको दे रहा है ना वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात हमेशा के लिए ध्यान रख लेना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर 46 संख्याएं हैं, 10 संख्याओं का औसत होगा, इसके मतलब 5 संख्याएं इधर होंगी, 5 संख्याएं इधर होंगी, इससे आगे वाली संख्या 47 होगी, पीछे वाली संख्या 45 होगी। आप चाहे इन दोनों का औसत निकाल लो तो भी 46 आएगा, आगे की 2 संख्याओं का औसत निकालोगे तो भी 46 आएगा, फिर आगे की 2 संख्याओं का औसत निकालोगे तो फिर भी कितना आएगा? 46 ही आने वाला है। आप लोग इसको ट्राई कर लेना, ठीक है ना, निकाल के। जो मैं बता रहा हूँ ऐसे आप लोग याद रखोगे तो आप लोग के एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन आएगा ना, जितना औसत दिया जाए आप लोग उतने में आंसर टिक कर देना, आपका राइट हो जाएगा एकदम से, ठीक है ना। आगे यहाँ है 2 संख्याओं का योगफल 342 है, उनका महत्तम समापवर्तक 19 है, ऐसे संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर 2 संख्याओं का योगफल 342 है, HCF 19 है, तो हमने मान लिया संख्या हो गई 19x, 19y। अगर HCF 19 है, दोनों में जो कॉमन मिलता है वही तो HCF होता है, तो हमने मान लिया HCF इसका 19 था, तो संख्या हमने मान ली 19x, 19y। इनका योगफल 342 दे रखा है, योगफल कितना दे रखा है? 342, मतलब इसको ऐड कर लो, ऐड में कितना आएगा? 342। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 342/19, 19 से इसको कट कर लो, कितने बार में कट हो जाएगा ये? 19 + 19, 19 + 8, 152, 18 बार में। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 18 आ गई। अब ये कह रहा है कि कितने युग्म संभव हो सकते हैं। अब ये x और y है क्या? x और y है को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम नंबर यहाँ पर दिए गए। को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच में कोई भी चीज़ कॉमन ना मिले। जैसे मैं बात करूँ 2 और 10 की, क्या है को प्राइम है क्या? नहीं है सर। क्यों? क्योंकि इनके बीच में 2 कॉमन मिल रहा है। को प्राइम है तो 2 और 9 लिख लो, ये क्या हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे। चलो इसके बारे में बात करें, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 और 17, ठीक है, ठीक है। आगे इस पर क्या लिख सकते हैं? 2 और 16 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, वो तो को प्राइम नहीं है। आगे इस पर लिख सकते हो 3 और 15? नहीं लिख सकते। 4 और 14 भी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। 5 लिख सकते हो और 13 लिख सकते हो, दोनों दो को प्राइम हो गई। 6 और 12 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। 7 और 11 लिख सकते हो क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। 7 और 11 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो बस ये 3 जोड़े बनेंगे आपके, 1 और 17, 5 और 13, 7 और 11, और बाकी आपका क्या हो जाएगा? बाकी आपके हो जाएंगे को, मतलब बाकी जितने भी जोड़े आएंगे वो को प्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? केवल 3 जोड़े। आगे यहाँ पर है, एक वस्तु को 242.5 में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है, 13% के लाभ में बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो, 3% की हानि होती है मतलब 97% पे वस्तु बिक रही है ना, 97 की वैल्यू कितनी है? 242.5, ठीक है। आपको बताना है कि 113 की वैल्यू कितनी होगी। चलो 113 की वैल्यू 113
गुड़े जो इसका भाग देने पे आएगा, देखो 97 से इसमें भाग देगा, कितने बार जाएगा ये चला जाएगा 7 × 21, तो 3 बार जाएगा क्या, 3 बार जाएगा क्या, 100 × 300 होता है, नहीं जाएगा, 2 बार ले जाओ, ठीक है, 2 × 14 = 4 हासिल, 1 × 2 = 18, 1 × 19 कितना आ गया, 194 घटाओ जरा 242, तो 12 × 4 जाएगा यहाँ आएगा 8, और यहाँ पर 13 × 9 जाएगा यहाँ आएगा 4, तो हो जाएगा 4 × 8 = 5, ठीक है। अब इसको कर लो तो 9 × 5 = 45, ठीक है, 5 बार में और चला जाएगा, पूरा पूरा 25 बार में कर जाएगा, इसका गुणा 25 से करवा लो, ठीक है, 2.5 से 25 × 75 = 5 हासिल, 7 × 25 = 25, 5 × 3 = 32 हासिल, 3 × 25 = 25, 3 × 28, तो 282.5 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे इस पे है कि एक दुकान ने अपने स्टॉक का 1/4 हिस्सा 25% के लाभ और शेष स्टॉक को 19% के लाभ पर बेचा, उसका कुल लाभ कितना परसेंट है, ठीक है। हमने मान लिया कि स्टॉक में 4 वस्तुएं हैं और 4 वस्तुओं का कास्ट प्राइस 4 रुपए है, सिंपल से बात, ठीक है। तो इसने 4 में से 1 वस्तु को 25% के लाभ पर बेच दिया, अगर 1 वस्तु को बेचा है तो इसने कितने परसेंट के लाभ पर, 25% मतलब 1.25 पर बेचा है, तो लाभ कितना हो गया, 1.25, तो 0.25 का लाभ हो जाएगा ना। तो वस्तु का मूल्य कितना था, 1 रुपये, 0.25 का लाभ हुआ तो 1.25 में बिक गई। इसके बाद 19% का लाभ होता है, अगर 3 वस्तुओं पर 19% का लाभ होगा तो 109 में बिकेंगे कि नहीं, 1.19/100 लगेगा ना, तो 2 जीरो से यहाँ दशमलव लग जाएगा, 1.19 हो जाएगा, 3 का गुणा कर दो, 19 × 57, 3 × 91, 3.5 7 यहाँ हो गया, चलो इसको ऐड करो, 7 × 5 = 12 की तो हासिल 1, 5 × 2 = 7, 1 = 8 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर 3 × 1 = 4, यहाँ पर 4 रुपये कास्ट प्राइस था, बिका है 4.82 में, फ़ायदा कितने का हुआ है, 82 का हुआ है, किसमें से 4 से परसेंटेज के लिए 100, यहाँ पॉइंट था, पॉइंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से भाग दे दो, 4 × 2 = 8, 0 × 4 = 20, तो कितना आ गया, 20.5% अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आगे यहाँ पर है 1 रुपये की एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 है, इसका ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना है, 3:5 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 4:7 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना है, 4:7, तो यहाँ 4 रखें, यहाँ 7 रख दो, टोटल अनुपात निकाल लो, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 लिख लो, 4 के बगल वाला 4 साइड में लिख लो, जो यहाँ जगह खाली थी 5 के बगल वाला हमने लिख लिया, क्या हो जाएगा, 4 × 12, 5 × 6 = 20 और 5 × 7 = 35, तो ये अनुपात आ गया आपका। ये कह रहा है कि बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 1455 है, तो बी और सी के बीच का अंतर कितना है, 15 का, तो 15 बराबर कितना है, 1455, तो कह रहा है कि x का मान बता दो, मतलब x क्या है, टोटल ये संख्या ऐड करो कितना है, तो 5 × 2 = 7 हो जाएगा, 3 × 2 = 5 = 66 की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, चलो 15 से कट कर लो, ये हो जाएगा 15 × 4 = 15 × 95 = 15 × 70 = 97, तो आप लोग 67 × 97 जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट देख लो, 7 × 7 कितना होगा, 49, लास्ट में 9 आएगा, केवल एक ही ऑप्शन है, 64 × 99 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग पूरा गुणा कीजिएगा इतना आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला आपका बॉडमास रूल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बॉडमास रट लेना इसको, चलो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है ना, तो 5 × 3 कितना हो गया, 15 हो गया, 15 तो यहाँ पर लगा लो 5 डिवाइड ब्रैकेट, 6 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस का साइन, ये 15 है, ये कितना हो जाएगा, 7 × 21 / 15 यहाँ से आएगा, ठीक है, तो 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 डिवाइड, एलसीएम ले लो, 12 × 5 = 60 और 7 कितना हो गया, 67/5, जैसे यहाँ गुणा का चिन्ह आएगा, ये आपस में ये एकदम से पलट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5/67, कितना आया, 5 × 5 = 25/67 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना। आगे अगला है, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 8% और 28% अधिक है, हमने मान लिया तीसरी संख्या 100 है, पहली संख्या 108 हो गई, दूसरी संख्या 128 हो गई, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि उन दोनों संख्याओं के मध्य अनुपात क्या होगा, इनके मध्य आपको अनुपात बताना है, 4 से काटो, 4 × 2 = 8, 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8 कितना आ गया, 27/32 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 4 km/घंटा की चाल से चलते हुए अपने कार्यालय जाता है और 2 km/घंटा की चाल से वापस आ जाता है, यदि उसे आने और जाने में 6 घंटे का समय लगते हैं, तो उसके घर के बीच की दूरी कितनी होगी, देखो 4 से गया है,
दो से वापस आया, हमने टोटल दूरी को मान लिया चार मान लिया, ठीक है ना, टोटल दूरी हमने चार मान लिया, चार दूरी चार इसमें जाने पर इसको लगेगा एक घंटा, क्योंकि चार की स्पीड से चार किलोमीटर जाने में एक घंटा लगेगा, चार किलोमीटर दो की स्पीड से जाने में दो घंटे लगेंगे, इसको कितना टोटल घंटा लग रहा है, दो और तीन घंटे, इसने कहा कितना है, हमें लग रहा है भाई छः घंटे, दूरी कितनी है, हमने मानी है चार है, तो अगर तीन की वैल्यू छः है तो चार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आठ किलोमीटर, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। आगे यहाँ पर है कि एक निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक ब्याज दर पर तीन वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना है और सात वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना है, 18,500 की धनराशि पर पूर्व की दोगुनी ब्याज दर से चार से दो बटे पाँच वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है, तो सिंपल से यहाँ निकाल लो, तीन और सात वर्ष के बीच का अंतर कितना आएगा, चार वर्ष के बीच आएगा ना, चार वर्ष, इससे इसको घटा लो, सिंपल से घटा लो, तो ये कितना आएगा, पाँच से पाँच जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ दो है, यहाँ दो है, यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ आठ है, यहाँ नौ है, तो यहाँ नौ आ जाएगा, सत्रह तीन बीस, सत्रह चार इक्कीस होता है ना, यहाँ कितना आएगा 3900, अगर चार की वैल्यू 3900 आ गई, तो यदि मैं एक माह का ब्याज पूछूँ, सॉरी एक साल का मैं ब्याज पूछूँ, तो एक साल का यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा, ये निकालो जल्दी से, इसमें भाग दे दो, 3900 बटे चार कितना आएगा, चार नहीं 36, तीन तीस, चार सत्तर अट्ठाईस, दो बीस, चार पंचवीस, 975, देखो तीन वर्ष में प्राप्त मिश्रण इतना है ना, तो एक बराबर कितना आ गया, 975 एक वर्ष का ब्याज आया, तीन वर्ष का निकालेंगे तो कितना आएगा, तीन बजे पंद्रह की पाँच हासिल एक, तीन सत्तर इक्कीस, एक बाईस की दो, तीन नौ सत्ताईस, दो उनतीस, 2925, तो यहाँ पर तीन वर्ष का मिश्रधन इतना है, तो आपका मूलधन निकालना है, तो तीन वर्ष का ब्याज 2925 है, तो यहाँ पर मूलधन पी तुम्हारा कितना निकलेगा, 2900 इससे घटाओ तो ये आ जाएगा 15,000, कितना आएगा 15,000, अब देखो 15,000 रुपये में 975 का ब्याज प्राप्त हुआ एक वर्ष में, और परसेंटेज के लिए हम लोग कितना लगाएंगे 100, तो दो जीरो कट गए, जीरो से यहाँ दशमलव लगा लो, कितना आएगा 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90 और 15 × 5 = 75 कितना आ गया 65, मतलब 6.5% की क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है कि 18,500 की राशि पर, ठीक है, पूर्व की दोगुनी ब्याज दर से, पहले ब्याज दर कितना है 6.5, अब कितना हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 5 × 4 = 20, दो 22/5 वर्ष का निकालना है, 22/5 वर्ष का बटे में कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100, दो जीरो से यहाँ पर दो जीरो कट गया, यहाँ पर 5 × 5 = 15, 5 × 7 = 35 कितना आ गया 37 × 13 × 22, ज़रा जूनियर डिजिट निकालो, 7 × 21 = 21, 22 = 42, लास्ट में कितना आएगा, दो आएगा, केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है लास्ट में, दो 10,582। अच्छा आपको करना क्या है, आप लोग भूलो नहीं, तो यहाँ पर करना है आपको 37 × 13 × 22, इसका मल्टीप्लाई करवा लो, जितना आएगा वो आएगा 10,582, ठीक है ना, ऐसे आप लोग कर लेना। आगे चलते हैं, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले एक किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन को ड्रिल करके एक शंकुआकार छिद्र किया जाता है, शंकु के ऊंचाई और आधार का व्यास बेलन की ऊंचाई और बेलन के व्यास के बराबर है, शेष ठोस संपूर्ण का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ठोस शेष का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, देखो पहले ये कुछ इस प्रकार का बेलन हुआ करता था, ठीक है, ये मान लो ये ऐसे का बेलन था, अब इसमें क्या किया गया, छेद कर दिया गया, तो अब ये कुछ इस प्रकार का बन गया, ठीक है, इस प्रकार का बन गया, अब आपको निकालना है किसका प्रश्न निकालना, आपको ये वाला पूरा भाग निकालना है, ये पूरा भाग और ये वाला आपका पूरा भाग और यहाँ से पूरा भाग, मतलब आपको बेलन का वक्र प्रश्न निकालना है, कौन सा, 2πRh, ये तो इसकी गोलाई वाला हो गया, और ये नीचे का, नीचे क्या हो जाएगा, πr² प्लस में करो πr², इसके बाद शंकु का आ जाएंगे, शंकु में देखो ये ऊपर वाला भाग तो है नहीं, ये वाला तो इसको तो जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर क्या है, ये वाला भाग है, और ये भाग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस का πrl करते हैं वक्र पृष्ठ, ठीक है, हमें ये भाग निकालना है, अगर यहाँ पर ऊंचाई 6 दी है, देखो ये हाइट कितनी दी है, 6 दी है, और यहाँ पर व्यास 16 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अगर ये 6 है ये 8 है, तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई पाइथागोरस प्रमेय से 6 × 36 और 8 × 8 = 64, 36 × 64 100 हो जाएगी, 100 का अंडर रूट करेंगे कितनी आएगी, 10, तो त्रिज्या ऊंचाई एल का मान कितना आ गया, 10 आ गया ना, चलो यहाँ पर हम लोग पाई कॉमन कर लेते हैं, यहाँ हो गया 2, आर की वैल्यू कितनी 8 है, एच की वैल्यू कितनी 6 है, 8 × 6 कितना हो गया, 48 हो गया, प्लस पाई तो हमने कॉमन ही लिया था, आर कितना है, आर यहाँ पर 8 है, तो 8 × 8 कितना हो गया, 64 हो गया,
का त्रिज्या कितना है 8 और एल कितना है 10, तो 10 अट्ठे कितना हो गया 80 हो गया, पाई का मान ले लो 48 दूनी यहाँ पे 96 आएगा, आगे 64 आ जाएगा, प्लस का 80 आएगा, ऐड कर लेंगे इसको हम लोग यहाँ पर 6 4 10 की जीरो हासिल, 1 9 1 10 18 6 24, 240 पाई अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, 2800 मूल्य वाले जूतों के एक जोड़ी पर एक जूता कंपनी 25% और 42% की दो क्रमिक छूट देती है, जूतों की अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो 2800 की है, ठीक है, इसमें क्या किया पहले 25% की छूट दी है, मतलब पहले उसने 75% पे इसको दी है, ठीक है बेचा, इसके बाद वो 42% की छूट दे रहा है, तो 100 से 42 घटाओ कितना आएगा 58 आ जाएगा, इसके बाद 58% छूट देता है, इंटू में 100 कर लो, देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 25 75 25 24 100 और 4 7 28 हो गया ना। चलो इसका 7 × 3 × 58 का हम लोग गुणा कर लेंगे, कितना आएगा 3 8 24 की 4 हासिल 2 3 5 15 2 17 इंटू में 7 कर लो, 7 4 28 की 8 हासिल 2 7 7 49 55 51 की 1 हासिल 5 7 9 में 7 5 12, तो 1218 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। आगे पी किसी कार्य के 1/3 भाग को 6 दिन, पी किसी कार्य के 1/3 भाग को 6 दिन, मतलब एक भाग अगर 6 दिन में करता है तो 3 भाग कितने दिन में करेगा 18 दिन में, तो पी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, क्यों उसी काम के 1/4 भाग को 9 दिन में, जो क्यों करता है एक भाग को 9 दिन में करता है तो 4 भाग को 36 दिन में करेगा नहीं करेगा, कर लेगा। चलो वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं और उन्हें कुल मिलाकर 210 का अग्रिम भुगतान प्राप्त, मतलब भुगतान किया जाता है, तो क्यों को कितने रुपए मिलेंगे। देखो ये इसका डेज आ गया और हमें क्षमता निकालने के लिए डेज का विपरीत क्षमता होता है, तो क्षमता इस साइड आएगी इसकी, इस ठीक है ना, क्षमता इसका विपरीत हो जाएगा, तो 36 चला जाएगा ऊपर 18 आ जाएगा नीचे, कट कर लो 18 × 36 18 × 18 और 18 × 36, तो पी की क्षमता आ गई 2, क्यू की क्षमता आ गई 1, दोनों की क्षमता कितनी 3 और 3 की वैल्यू कुल मिलाकर कितना रुपया मिला है 210, क्योंकि हम लोग क्षमता के हिसाब से ही पैसा देते हैं, कौन कितना ज़्यादा काम कर रहा है उसी के हिसाब से तो पैसा देते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है क्यों को कितने रुपए मिले, क्योंकि देखो एक भाग मिल रहा है तो एक की वैल्यू निकाल दो, 3 7 21 कितने रुपए मिल गए 70 रुपए, ठीक है, क्योंकि हम क्षमता के हिसाब से पैसे देते हैं। अब मान लो कोई काम ही नहीं कर रहा उसको हम पैसा कैसे दे सकते हैं ना, इस प्रकार से यहाँ पर है कि 3 संख्याओं का औसत 180 है, ठीक है, अगर 180 है तो योग 18 53 54 हो जाएगा, क्या a+b+c 540। यहाँ पर तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक है, तो तीसरी संख्या और पहली संख्या देख लेते हैं, ए जो यहाँ पर पहली संख्या है, पहली संख्या के 1/3 से, ए के 1/3 से 10 अधिक है कौन, तीसरी संख्या सी, और आगे देखो और दूसरी संख्या से 5 कम है, मतलब सी बी माइनस 5 कम है कौन सी, तो ये कुछ इस प्रकार की लेसन आएगा, हमने बराबर में क्या मान लिया के मान लिया, क्या मान लिया के मान लिया, यदि हम ए की वैल्यू निकाल लें ए कितना आएगा इस पे और इस पे देखो, तो 10 उधर जाएगा तो के माइनस 10 और 3 के साथ गुणा हो जाएगा, तो के माइनस 10 इंटू 3 हो गया नहीं होगा, हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी आएगी तो भाई सी की वैल्यू तो के ही आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी, अच्छा सी माइनस बी माइनस 5 था ना, तो यहाँ पर हो जाएगी के प्लस 5, क्लियर है ना। अब इन तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे, यहाँ पर के यहाँ पर के यहाँ पर के, लेकिन यहाँ पर 3 के 3 के 1 4 के 1 5 के, ये कितना हो गया 5 के, यहाँ पर 10 3 30 30 से 5 घटाओ माइनस का 25 बराबर कितना दे रखा है 540, तो यहाँ से कितना आएगा के का मान निकालना है हमें, तो 25 उधर जाएगा तो 575 हो जाएगा, 5 के है ना तो इसको कट कर लो, 5 91 में 5 5 91 में 5 5 कितना आएगा 25 5 5, अच्छा 165 होगा क्या, 40 20, 165 हो जाएगा ना, और यहाँ पर आएगा 5 3 15, तो 113 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि एक से बड़ी एक ऐसी संख्या है जिसे 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 से शेषफल बचता है, ठीक है, 500 से वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो वह छोट 500 से छोटी वह वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इस स्थिति को संतुष्ट करती है, ठीक है, देखो 4 से विभाज्य 5 से विभाज्य 6 से विभाज्य, अगर 6 से विभाज्य तो इसका मतलब 3 से विभाज्य होगा, ठीक है, और शेषफल कितना बचाना है आपको, शेषफल आपको बचाना है 3, ठीक है। अब देखो इसको यदि हम जोड़ लें
तो 9 3 12, 12 4 16, 16 में 3 का भाग देंगे, 3 5 15 कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। इस पे देखो 8 4 12 3 15, इस पे 3 4 12, शेषफल कितना बचेगा, 3 ही बचेगा, ठीक है। 12 3 15, शेषफल 3 नहीं होगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसके बारे में बात करें तो ये 3 2 6 3 2 6 3 2 6, इस पे शेषफल 0 आ रहा है, इस पे कितना आ रहा है, 8 4 12 6 18, ये तो पूरी पूरी कट गई ना, तो या तो ये संख्या होगी या तो ये संख्या होगी। इसके बारे में देख लेते हैं, 8 4 12 4 16, 16 है, 3 5 15, 1 बच गया, ये कितना था, 486। अब देखो, अब कह रहा है 4 से भाग दे दो, तो अच्छा देखो 5 से ही भाग दे दो, 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आ जाए, 3। जैसे इसमें 5 से भाग दे दोगे शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, जबकि इसमें 5 से भाग आप देंगे शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 483। सेकेंड है, एलसीएम निकाल लो, उस पर 3 प्लस कर दो, ठीक है ना। आगे चलता है, इसमें एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे, उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए, तो अच्छे फलों का प्रतिशत कितना है। देखो 600 संतरे खरीदे, 400 केले, टोटल इसने 1000 फल खरीद लिए, 30% संतरे सड़े हुए हैं, तो 70% अच्छे हैं ना, तो 70 का 600 का 70% कितना होगा, 6 7 42, 420, ठीक है। और 400 का 18% सड़े हुए हैं, तो अच्छे कितने, अच्छे सर 82%, तो 400 का 82% से 2 0 हट जाएंगे, 82 × 4 में करवा दो, तो 4 2 8, 4 8 32, कितना आ गया, 328, जोड़ो 8 2 2 4 4 3 7, तो कितना हो गया, 748। तो 1000 में 748 सही हैं, तो परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, 2 0 2 0 कट जाएगा, 0 हटाएंगे दशमलव लग जाएगा, 74.8 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पर विक्रेता ने 20 रुपये में 12 की दर से कौड़ी खरीदी और 12 में 6 की दर से बेच दी, उसका प्रतिशत लाभ या हानि कितना है। देखो 20 में 12 की दर से खरीदा और 12 में 6 की दर से बेच दिया, 12 में कितनी दर से बेच दिया, 6 की। अगर 12 कौड़ी 20 की खरीदी तो 6 कौड़ी इसने 10 रुपये खरीदी होंगी, ठीक है, और 6 कौड़ी इसने 12 रुपये की बेच दी, ठीक है ना। कितने का फ़ायदा हो गया, 2 रुपये का, किस में से हुआ है, 10 में से, परसेंटेज के लिए कितना हो जाएगा, 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 2 कितना आएगा, 20% अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 20% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। आगे यहाँ पर है, एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई और जेड उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जेड और एक्स उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक्स अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। देखो एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, y प्लस जेड कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, जेड प्लस एक्स ये कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। हमने टोटल काम को मान लिया 60 मान लिया हमने टोटल काम को, जब हमने 60 मान लिया तो a की क्षमता, सॉरी x प्लस y की क्षमता कितनी आएगी, 6, दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे, तभी तो 10 दिन में 60 काम कर पाएंगे, ये 5 और ये 4, ठीक है ना। हमें x का मान निकालना, अगर देखो मैं इसको इसको ऐड कर दूँ कितना होगा, और इससे ये घटा दूँ, देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स इससे घटा दो, माइनस वाई माइनस जेड, देखो जेड से जेड कट गया, वाई से वाई कट गया, ठीक है ना, जेड से जेड कट दिया, वाई से वाई कट गया, कितना आ गया, 2x आ गया, 2x की वैल्यू कितनी है, 6, इसको इसको जोड़ा है ना हमने, 6 4 10, 10 से 5 घटा दो 5, तो x की क्षमता कितनी आ गई, 5/2, 60 काम को 5/2 के हिसाब से कर दो, 5 × 2 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से 5 कटेगा आएगा 12, 12 × 2 करोगे कितना आएगा, 24 दिन अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक व्यक्ति नौका को धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब u बराबर कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब v का मान कितना है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, धारा की चाल पूछ रहे हैं, धारा की चाल अगर तुम्हें चाहिए वाई का मान, तो क्या करोगे, 9 से 7 को घटा के 2 कर दो, कितना आएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 की चाल पूछता मतलब एक्स की वैल्यू, तो 9 और 7 को जोड़ दो, 9 7/2, तब कितना आएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 8 कितना होगा, 9 7 16, 16/2, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 9 की चाल पूछता तो 8 आ जाती, धारा पूछ रहा है तो 1 अपना क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पर है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में, ठीक है, 3:4 के अनुपात में है, पहली संख्या का 60% 144 है, तो दूसरी संख्या का 30% कितना होगा, तो पहली संख्या 3 का 60% 3 का 60/100, 3 का 60/100 कितना है, 144, 3 का 60/100 144 है, तो पूछ रहा है दूसरी संख्या,
मतलब 4 का 30/100 कितना हो गया? आपसे ये पूछ रहे, ठीक है ना? देखो 3 से इसको कट कर लो, 3 चौक 12, 3 चौक 12 कितना आया? 2 24 3 8 24 आ गया ना। अब देखो ये लिखा है 60/100, ये लिखा है 120/100, ये इसका कितना गुना लिखा है? 2 गुना, तो इसको भी आप लोग कितना कर दो, 2 गुना कर दो, 48 दूनी कितना हो गया? 96। तो 96 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पर है 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर भुजाओं वाले धातु के एक स्लैब को पिघलाकर घन की आकृति में ढाला गया है। अच्छा, जैसे घन की आकृति में ढाल दें तो एक क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी? 16 × 12 × 9 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद करना है, मतलब 6a² की वैल्यू आपको बतानी है। किसकी? 6a² की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ आप देखो a की वैल्यू कितनी आएगी, अगर यहाँ पर 12 के फैक्टर करें तो 4 × 3 आ जाएगा, जो 16 × 4 = 64, 64 होता है 4 का क्यूब, तो यहाँ 4 आएगा। 9 × 3 = 27, 27 होता है 3 का क्यूब, तो यहाँ 3 आएगा। तो 4 × 3 कितना हो गया? 12। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 12। 6a² से ये 6 × 12 = 144 हो गया, 6 का गुणा कर दो, 6 × 24 = 4 हासिल 2, 6 × 24 = 26 = 6 हासिल 2, 6 × 6 = 8 कितना हो गया? 864 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की हम लोग बात करें, तो यहाँ पर है a/b = 7/5, तो इसका मान आपसे पूछा है। जब भी इसका मान पूछे ना, डायरेक्ट उठा के वैल्यू रख दो, बट ये बटे में होने चाहिए या अनुपात में होने चाहिए? अनुपात में नहीं है तो आपको x मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, a की वैल्यू 7 है तो 7 × 5 = 35, b की वैल्यू 5 है तो 5 × 4 = 20, 35 = 20 ऐड कर दो, बटे यहाँ पर a की वैल्यू 7 है तो 7 × 35 - 20 कर देंगे, 35 × 20 कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 55, और ये कितना होगा? 15, कट कर लो 5 × 3 = 15, ये 11 × 5 = 55 कितना आ गया? 11/3 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला बॉर्नमास रूल का है, कर लेते हैं। देखो 15 × 2 = 30 और 5 × 2 = 10, यहाँ पे 10 आ गया। देखो इसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 5 आएगा, 5 का 4 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 20, यहाँ से 20 आएगा, 7 × 4 कितना हो जाएगा? 28, ठीक है। 28 और 52 ऐड करेंगे तो 8 × 2 = 10, 5 × 2 = 7 = 80 हो गया। 80 − 20 करेंगे, डिवाइड में 10 करेंगे, तो 80 − 20 कितना आएगा? 60, 60 / 10 कितना आ गया? 0 से 0 कट गया, यहाँ पर आ गया 6, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला यहाँ पर है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, एक दूसरा दुकानदार उसी अंकित मूल्य पर 5%, 12% और 10% की छूट प्रदान करता है, तो दोनों दुकानदारों द्वारा दी गई छूटों में कितना अंतर आएगा? देखो पहले ने 25% की छूट प्रदान की है, मतलब वस्तु को बेचा है 75%, दूसरे ने 5%, 12% और 10% की छूट दी है, ठीक है। क्या करें इसके लिए? एक काम करते हैं, क्या काम करोगे? डायरेक्ट कर लें फार्मूले से, या ऐसे ऐसे कर लेते ना, मान लो 100 की समान थी, इसने 5% की छूट दे दी, मतलब वस्तु 95 में बिकी, 95 पे फिर इसने 12% की और छूट दे दी, 95 का 12/100 निकाल लो, तो 12 × 5 = 60 हासिल 6, 12 × 108 ठीक है, 108 × 6 = 114 यहाँ कितना है? 11.4, तो 11.4 की और छूट दे दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 5 से 1 जाएगा, 4 आएगा, यहाँ पर 84.4 हो गया। इसके बाद 10% की और छूट मिल रही, 84.4 का 10% कितना होगा? 8.44, ये हो गया 8.44 की इसको और छूट मिल गई, कितना आएगा? देखो यहाँ पर आ जाएगा 6 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 8.44 की छूट मिलेगी ना, गलत नहीं कर रहे, 95 से 12%, 12 × 5 = 60 किलो हासिल 6, 12 × 98 = 12 × 108, 8 × 6 = 114 ठीक है। यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 13 में 4 जाएगा, यहाँ पर आएगा 9 आ गया, 9 यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 9 और 13 में 8 जाएगा, तो कितना आएगा? 8, 5, 13 यहाँ पर आएगा, 5 और यहाँ पर आएगा 7, 75.96 आ रहे हैं, ठीक है, 75.96 आ रहे हैं। कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने घटाया था ना, तो 10 से 4 जाएगा, यहाँ 6 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर फिर 2 आ जाएगा, कितना आएगा? 75.24
75.24। तो 75 की पहले छूट दिया है, इसको 75.24 की छूट दिया है, तो छूटों के बीच में अंतर कितना है, 0.24% का। तो ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे है कि एक निश्चित धनराशि पर किसी धन एक निश्चित साधारण ब्याज से किसी धनराशि पर 3 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्रधन 37,200 है, 5 वर्षों बाद प्राप्त मिश्रधन 4200 है, 42,000 है। उसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना। देखो 5 वर्षों में इतना है, 3 वर्षों में इतना है, मतलब 2 वर्ष में कितना है, 37, 38, 39, 40, 41, 42 कितना है, 47, 5, 42, 5,000, मतलब 4800 रुपये, ठीक है। अगर 2 वर्ष का 4800 है तो 3 वर्ष का 2400 हो जाएगा ब्याज, ठीक है। तो राशि कितनी हो जाए, 3 वर्ष में 37,000 मिश्रधन हो रहा है, तो अगर इस पे 3 वर्ष का ब्याज 7200 है तो इस पे मूलधन आएगा कि नहीं, 30,000 मूलधन, देखो आ गया 30,000, आ गया ना। 30,000 पे क्या करना है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों का, तो 8% कितना हो गया, 48%। इसको निकाल लो, अब लो परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, 48 की त्रिको कितना होगा, 144, 2 जीरो ये है, 2 जीरो और लगा लो, तो 14,400 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, यहाँ पर है कि 12,100 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि जब उन्हें 3 और 4 वर्ष के लिए 6% और वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो प्राप्त मिश्रधन बराबर होता है, तो दोनों भागों का 75% कितना होगा। देखो दोनों बराबर होता है ना, तो 6 3 18 मतलब 118% बराबर 6 4 24 124% आपस में बराबर है या नहीं है, है ना। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, इसको कट करें, ये कट हो जाएगा 2 से 2 5 10 2 9 18 अनुपात लगा लो, 2 6 12 2 2 4 ये आया अनुपात इसका, दोनों को जोड़ो, 9 2 11 की 1 हासिल 1, 6 5 11 1 12, 121 की वैल्यू कितनी है, 121,000। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 121 से 121 कट जाएगा, इतनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। इसका क्या पूछ रहे हैं, ब्याज की, एक मिनट 100% की वैल्यू यहाँ पर, ये 12,000 था ना, सॉरी 12,100 रुपये था, यहाँ पर 10,000 हो जाएगा ना, 10,000, 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया हमने। इसका 75% कितना होगा, दोनों भागों के बीच का अंतर का 75% ना, तो दोनों भागों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 59 60 61 वहाँ पर 3 का आ रहा है ना, तो 3 बराबर कितना आएगा, 3 बराबर आएगा 3,300 आएगा, सॉरी 3 बराबर कितना आएगा, 300। इसका 75% निकाल लो, 75/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 75 3 को कितना आएगा, 225। यही अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th, ठीक है ना। तो यदि आपको क्लास समझ में आई है या कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो भाई शेयर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब लाइक का छोड़ो, बस पढ़ते रहो आप लोग, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, करो तो ठीक है, आपका ही फायदा है, ठीक है, और मेरा भी फायदा है, ठीक है ना। तो अगर चाहो तो कर देना सब्सक्राइब वगैरह, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आप लोग, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है। आपको, आपका जो मेन टारगेट है ना, वो एग्ज़ाम को निकालना है और कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। एग्ज़ाम निकल जाए जैसे मैंने निकाला था, वैसे आपका भी निकल जाए आराम से, और आपका पीटी टेस्ट वगैरह सारा कुछ हो जाए, ठीक है ना। चलो सारा कुछ हो जाए, आप लोग सिलेक्ट हो जाओ, मैं यही चाहता हूँ, क्लियर ना। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है इसके रिगार्डिंग तो 6307-8573-32 पे आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कुछ भी चीज़, ठीक है ना, मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड, क्लियर है। तो फिर अभी के लिए और आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं अपने नए सेट, सेट नंबर 20 के साथ। और एक अच्छी बात ये कि 20वां सेट कंप्लीट करते ही हम लोगों ने 25 दूनी 50 500 क्वेश्चन रीजनिंग के और 500 क्वेश्चन मैथ के कर लेंगे, मतलब टोटल 1000 क्वेश्चन हम लोग के कंप्लीट हो जाएंगे मैथ और रीजनिंग में, क्लियर है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।